नमस्कार दोस्तों, यूथ इन्फो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं कि बच्चों के अभाव में दर्जनों स्कूल होंगे बंद। भागलपुर जिले के दर्जनों सरकारी विद्यालयों को बच्चे नहीं मिल रहे हैं, इसकी शिक्षा विभाग ने खुद पड़ताल की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। किसी स्कूल के बगल में NHSH या बाईपास होने के कारण बच्चे सड़क पार कर स्कूल नहीं जाना चाहते। कहीं स्कूल के नजदीक में 2-3 विद्यालय होने से दूसरे विद्यालय अपने यहाँ बच्चों का नामांकन ले लेते हैं। इस पर सर्व शिक्षा अभियान ने DO को पत्र भेजकर विभिन्न प्रखंडों के ऐसे स्कूलों की जानकारी दी है। उम्मीद है कि कई स्कूलों को बंद किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय ने कुछ स्कूलों के नामों का उल्लेख करते हुए इन्हें संचालन करने में असमर्थता जता दी है, लिहाजा ऐसे स्कूल कभी भी बंद किए जा सकते हैं। कम नामांकन वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक ने दिया था। इसके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में चिन्हित स्कूलों की समीक्षा की गई थी। इसके बाद SSA के DPO ने TO को पत्र लिखा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।